हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में। मैं हूं गुंजन। एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करेक्ट प्रोडक्ट्स के साथ फेस वॉश करना। आपको फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल स्किन तब मिलती है जब आपका फेशियल क्लेंजर फेस की सभी नीड्स को पूरा करे। हालांकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से आपके लिए एक फेस क्लेंजर चूज करना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक राइट विटामिन सी फेस वॉश चूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के खूबसूरत सफर में हैं, या फिर आप अगर एक नन्ही सी जान को ऑलरेडी जन्म दे चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स एक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है। हाउ टू चूज द राइट फेस वॉश कैन मेक अ डिफरेंस। जब स्किन सीबम के साथ एक्सटर्नल एग्रीगेटर्स मिक्स हो जाते हैं तो स्किन के पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं और इससे ब्रेकआउट्स होने लगते हैं। इसलिए फ्रेश और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कम से कम दिन में दो बार एक सुपीरियर क्वालिटी फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन जरूर करें। एक करेक्ट प्रोडक्ट में स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जिनसे डर्ट, मेकअप और बाकी की इंप्योरिटीज भी अच्छे से क्लीन हो जाएं। राइट प्रोडक्ट ढूंढने से पहले सबसे पहले आपको अपनी स्किन टाइप को समझना पड़ेगा कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या फिर सेंसिटिव है। क्लीन और हेल्दी कॉम्प्लेक्शन के लिए स्पेसिफिक क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स ही चुनें जो जेंटल भी हो और साथ में इफेक्टिव भी। डिफरेंट स्किन टाइप्स एंड कॉमन इश्यूज एसोसिएटेड विद ईच स्किन टाइप। फेशियल क्लेंजर सेलेक्ट करने से पहले स्किन टाइप आइडेंटिफिकेशन को जानना बहुत एसेंशियल होता है। आइए जानते हैं वेरियस स्किन टाइप्स और उनसे जुड़े एवरीडे इश्यूज। ऑयली स्किन। ऑयली स्किन एक्सेस सीबम प्रोड्यूस करती है। ऐसे स्किन टाइप में पिंपल्स, एनलार्ज पोर्स, ब्लैक हेड्स और अनवांटेड शाइन होती है। ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में नेचुरल ऑयल और वाटर लैक करता है। ऐसे स्किन में विजिबल लाइंस, रफ टेक्सचर और रिंकल्स साफ दिखाई देते हैं। ये बहुत डल लगती है और इसमें इलास्टिसिटी लैक करती है। ऐसे स्किन बहुत टाइट और अनकम्फर्टेबल होती है। कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में ड्राइनेस और ऑयलनेस के एरियाज होते हैं। स्किन का टेक्सचर रफ होता है और कुछ एरियाज में डलनेस होगी। एनलार्ज पोर्स के साथ फेस के कुछ हिस्सों में शाइन और ब्लैक हेड्स भी होते हैं, जैसे कि फोरहेड, नोज और चिन पर। सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण रिएक्ट करती है, फिर चाहे हार्मफुल केमिकल्स युक्त स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो। ऐसे स्किन टाइप पर बहुत आसानी से रेडनेस, बर्निंग और स्टिंगिंग होती है। अगर आपने बिना स्किन टाइप जाने कोई भी प्रोडक्ट यूज किया तो आपकी फेशियल टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव, ऑयली या फिर एक्ने प्रोन है तो आप माइल्ड जेल बेस्ड क्लेंजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश और क्रीमी फॉर्मूला सूट करेंगे। अगर आपकी स्किन नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन टाइप है तो आप फोमिंग जेल बेस्ड और क्रीमी क्लेंजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन सिलेक्टिंग अ फेस वॉश। वैसे तो विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आजकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आसानी से मिल जाता है, स्पेशली फेशियल क्लेंजर्स में। दरअसल विटामिन सी सभी स्किन टाइप को सूट करता है, फिर चाहे वो ड्राई, ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप ही क्यों ना हो। ये एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है जो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और ओवरऑल अपीयरेंस को भी बढ़ाता है। अगर आपको अपने लिए कोई फेस क्लेंजर चूज करने में कंफ्यूजन हो रही है तो बस माइलो केयर विटामिन सी रिफ्रेशिंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश ऑर्डर कर लें। ये सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जैसे कि विटामिन सी, एलोवेरा, AHA और ग्रीन टी। इसमें किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स नहीं है, जैसे कि सोप, SLS, parabens, mineral oil, phthalates, synthetic colors or preservatives. ये एक internationally certified product है और इसे use करना बेहद आसान है। जैसे कि फेस को वेट कर ले और फेस वॉश को थोड़े से अमाउंट में लेकर अपने फिंगर टिप्स के साथ जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करें। लूक वार्म वाटर से अच्छे से रिंस कर लें और पैड ड्राई करें। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए डेली इस्तेमाल करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसके बाद माइलो केयर विटामिन सी मैटिफाइंग स्किन मिस्ट टोनर और माइलो केयर विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल करें। इस फोमिंग फेस वॉश में नेचुरल एक्टिवेटर्स भी हैं जो आसानी से सारी इंप्योरिटीज, डर्ट और मेकअप को रिमूव करके कम्प्लेक्शन को बेटर करते हैं। इससे स्किन टोन बहुत अच्छा हो जाता है। ये नॉन ग्रीजी फॉर्मूला एजिंग को कॉम्बैट करता है, स्किन रेडियंस को एनहांस करता है और डार्क स्पॉट्स की अपीयरेंस को कम करता है। अपनी स्किन को इतना हेल्दी रखिए कि आपको मेकअप की जरूरत ही ना पड़े और लोग आपकी नेचुरल ब्यूटी की ही तारीफ करें।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।